लवलीज, हाउ आर यू ऑल? आई रियली होप कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे, मैं भी बढ़िया हूँ। एंड फॉर दोज जो यहाँ पर पहली बार आए हैं, उन्हें बता दूँ कि मैं यहाँ पर आती हूँ बहुत सारे प्रोडक्ट रिव्यूज को लेकर फ्रॉम डिफरेंट कैटेगरी जो भी रहती हैं, स्किन केयर, हेयर केयर, बेबी केयर प्रोडक्ट रिव्यूज, होम एसेंशियल प्रोडक्ट रिव्यूज, एसेसरीज के प्रोडक्ट रिव्यूज एंड इवन हेल्थ केयर प्रोडक्ट रिव्यूज। तो लिटरली आपको यहाँ पर बहुत सारे प्रोडक्ट रिव्यूज देखने को मिलते हैं। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब, ताकि अगर आप कोई प्रोडक्ट लेना चाहते हैं, लेने के बारे में सोच रहे हैं, डिसीजन नहीं ले पा रहे, तो मेरी वीडियोस को देखकर आपका जो भी डाउट है मन में वो क्लियर हो जाए और अपनी जो भी परचेज करना चाहते हैं वो परफेक्टली कर सकें और रिग्रेट बिल्कुल भी फील ना हो। तो स्टार्ट करते हैं आज का प्रोडक्ट रिव्यू, जो कि एक बेबी प्रोडक्ट के बारे में होने वाला है। आज से ऑलमोस्ट 2 साल पहले मैंने एक फीडिंग बॉटल का रिव्यू शेयर किया था, जिसे आपने बहुत ज़्यादा प्यार दिया था, और इसीलिए मैं एक और फीडिंग बॉटल के रिव्यू को लेकर आई हूँ, जिसे मैं ऑलरेडी कंटिन्यूसली लास्ट 1 ईयर से यूज़ कर रही हूँ फॉर माय बेबी। तो खुद को सेटिस्फाई करने के बाद, खुद का एक्सपीरियंस अपने बेबी के साथ लेने के बाद, यहाँ पर मैं आज इस पर्टिकुलर ब्रांड का रिव्यू आपको देने आई हूँ। सो दैट इफ एनी वन ऑफ यू इज थिंकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर ब्रांड, दिस पर्टिकुलर बॉटल, तो आप अपना डिसीजन ले सकें। तो आज हम बात करने वाले हैं इस पर्टिकुलर ब्रांड के बारे में, जो कि है चीको। नाउ दिस इज अ वेल नोन ब्रांड, बेबी ब्रांड, तो आप जानते ही होंगे। आज हम बात करने वाले हैं स्पेशली फॉर बॉटल्स। तो ये है उनकी वेल बींग फीडिंग बॉटल, प्रोटेक्ट्स योर बेबी फ्रॉम कॉलिक एंड रिकर्किटेशन। अब बेबीज में दो ही मेन जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो यही होती हैं, वी गेट पेट में गैसेस हो जाना, या फिर दूध का वापस से गले में आ जाना। कई बार होता है ऐसे कि बच्चे के मुंह में वापस से दूध आ जाता है, ठीक है। तो ये दोनों ही चीज़ें कब होती है? जब बच्चा एयर इनटेक कर लेता है ड्यूरिंग फीडिंग। तो इन दोनों चीज़ों से बचने के लिए आपको क्या देखना है कि जो भी आप बॉटल यूज़ कर रहे हैं उसका जो टीट है, जिसे नॉर्मल जनरल लैंग्वेज में निप्पल कहा जाता है, वो जो है वो परफेक्टली फॉर्मुलेटेड होना चाहिए, वेल डिजाइंड होना चाहिए, ताकि ये दोनों ही प्रॉब्लम्स हमारे बेबी को ना आए। तो ये जो पर्टिकुलर ब्रांड है ऐसा ही टीट आपको प्रोवाइड करता है, क्योंकि जो टीट है दैट इज मेड इन इटली। तो उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से इसको फॉर्मुलेट किया है, डिज़ाइन किया है, बनाया है, टोटली हाइजीनिकली बनाया है। जो इसका सिलिकॉन है वो टोटली हाइजीनिक सिलिकॉन है, सो इट इज़ सेफ फॉर योर बेबी ऑल्सो, और जो डिज़ाइन और फॉर्मुलेशन है दैट्स परफेक्ट फॉर योर बेबी, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो मैं शो कर रही हूँ, ये जो पैक है इसमें आपको जो क्वान्टिटी मिलती है वो है 330 ml की, ये है एक्चुअल बॉटल, ठीक है। तो इसमें ये जो है 330 ml वाली बॉटल है, डिफरेंट साइजेस आते हैं, आप इसे छोटा, उससे भी छोटा जो भी साइज चाहिए वो ले सकते हैं। साथ ही साथ इसका जो पैक है वहाँ पर आपको पूरा मेंशन आता है कि आपको कौन से एज ग्रुप की बॉटल लेनी है, यानी कि अगर आपका बच्चा जैसे 0+ months का है तो वहाँ पर आता है स्लो फ्लो वाला बॉटल मिलता है, 2+ months के लिए आता है मीडियम फ्लो, 4+ months के लिए आता है फास्ट, और 6+ months के लिए आता है फूड वाला, यानी कि जैसे आप दूध में बिस्किट्स देना चाहते हैं मिक्स करके, या फिर सूजी को रोस्ट करके वो मिक्स करके देना चाहते हैं, सो दैट एक फुलर और एक कंप्लीट डाइट हो जाए आपके बेबी के लिए, या कुछ भी आप मिक्स करना चाहते हैं फूड यानी कि, तो आप इस फीडिंग बॉटल में दे सकते हैं। तो जो टीट है वो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मुलेटेड है, जो इसके फ्लो हैं वो डिफरेंट है, तो आपका जो बच्चे का जो भी एज है उस अकॉर्डिंग आप इस बॉटल को लीजिएगा, ठीक है। तो जो जैसे 0+ months का स्लो है, देन मीडियम है, देन फास्ट है, और देन फूड है। तो मैंने जो लिया है वो फूड वाला लिया हुआ है, और यहाँ पे बॉटल के यहाँ पे कॉर्नर में मेंशन होता है जो आप लेते हैं वो है 4+ months फास्ट वाला, ठीक है, यहाँ पे लिखा है। तो मैंने वो वाला अपने बेबी के लिए लिया हुआ है, ताकि मैं अगर कुछ चाहूँ तो दूध में मिक्स करके अपनी बेबी को दे सकती हूँ। साथ ही साथ कुछ और बातें कर लेते हैं जो कि यहाँ पर मेंशन किया गया है। इसका जो फिजियो टीट है वो सॉफ्ट है, इलास्टिक टीट है, विद सॉफ्ट सेंस फिनिश, जो कि आपके बेबी को एक प्लेजेंट और एक नेचुरल फीलिंग देता है। तो जो आपका बेबी है अच्छे से फीड कर लेता है बॉटल से, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको टीट दिखाना चाहूँगी, क्योंकि मेन जो बात है वो बॉडी की नहीं रहती कि डिज़ाइन कौन सा है, कलर कौन सा है, ये सब चीज़ें मैटर नहीं करती। जो मैटर करता है वो है टीट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डिज़ाइन कैसे फॉर्मुलेटेड है, यहाँ पे कैसे डिज़ाइन दिया गया है, ठीक है। सिलिकॉन जो है दैट इज़ रियली ऑफ हाई क्वालिटी, तभी मैंने आपको कहा कि मैं इस ब्रांड की बॉटल्स लास्ट 1 ईयर से कंटिन्यूसली यूज़ कर रही हूँ। लेट मी शो यू, ये मेरे 2 अभी रिसेंट परचेज हैं जो मैंने एक साथ बॉटल्स परचेज की हैं, और मैं यहाँ पे आपको पुरानी वाली भी दिखा देती हूँ। ये देख लीजिए, हियर आई एम हैविंग द प्रीवियस वंस। तो ये मेरी पुरानी ओल्ड वंस हैं,
और ऑब्वियसली इससे पहले भी मैं इसी तरीके से बहुत सारी परचेज कर चुकी हूँ इन वन ईयर। मेरा मानना यह है कि आफ्टर 2 मंथ्स के बाद आपको जो बॉटल्स हैं वो चेंज कर लेनी चाहिए, चाहे आप जितना मर्जी हाइजीन फॉलो करते हैं, बॉइल करते हैं, इनको रेफ्रिजरेट करती हैं, जो भी करती हैं, बट 2 मंथ्स के बाद आपको ये बॉटल्स चेंज कर लेनी चाहिए फॉर योर बेटर बेबी हेल्थ। ठीक है, जो टीथ की कंडीशन है ऑब्वियसली वो खराब हो जाती है, डिस्ट्रॉयड हो जाती है, जो बॉटल्स हैं वो डिस्ट्रॉयड हो जाती है, तो इट्स बेटर कि आप एवरी 2 मंथ्स के बाद इसको चेंज कर लें। तो ये एक परफेक्ट बॉटल हो सकती है फॉर योर बेबी, बिकॉज जो इसका टीथ है दैट इज अ परफेक्ट थिंग फॉर योर बेबी, जो उसको एक प्लेजेंट, एक नेचुरल फीलिंग देता है ड्यूरिंग फीडिंग, और कोई भी ऐसे कोलिक और रिकर्गिटेशन वाली प्रॉब्लम आपको फेस नहीं करनी पड़ेगी। तो आपका बेबी अगर न्यू बॉर्न है, वहाँ से लेके जितने भी मंथ्स का है, उस अकॉर्डिंग आप इस बॉटल को परचेज कर सकते हैं। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स यू कैन डू फॉर योर बेबी। तो इसी के साथ इस पर्टिकुलर वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। टिल नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय।